नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके और मेरे दोनों के इस यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर वायरा की एस्ट्रोलॉजर। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करिए, क्योंकि बहुत खास जानकारी आपसे छूट जाएगी, धर्म से जुड़ी हुई जानकारी। हिंदू हैं तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता है। कल है गोपाष्टमी, पर मेरा मानना ऐसा है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं हो सकता जो गाय से जुड़ा हुआ, गौ माता से जुड़ा हुआ ना हो। कल आप देश विदेश कहीं पर भी रहते हो, गायों की सेवा ज़रूर करें और ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। माँ ने तो बचपन में ये सिखाया था कि घर की पहली रोटी तो गाय को जानी ही चाहिए, तो कल गायों की सेवा करें। कहते हैं जहाँ गाय होती है वहाँ कृष्ण का वास होता है। ज़रूरी नहीं है हर किसी को गौशाला मिले, ज़रूरी नहीं है हर कोई गाय की सेवा करने गौशाला जा सके, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि आपके घर के आस पास जो गायें घूमती रहती हैं कल उनकी सेवा करें, उनके दर्शन करें, उनकी परिक्रमा करें, उन्हें गुड़ खिलाएँ, उन्हें खीरा खिलाएँ, उन्हें घास खिलाएँ, उनके दर्शन करें जैसे आप साक्षात कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। और विदेश में रह रहे मेरे प्यारे प्यारे भाइयों से, बहनों से मेरा ये कहना है, आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका रहते हैं और गाय की सेवा नहीं कर पा रहे हैं दुबई रहकर, तो आप मन को छोटा ना करें। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, आपको करना कुछ खास नहीं है। एक गौ माता की मूर्ति आपके पास हो, चांदी की हो, मिट्टी की हो, और नहीं और विदेश जाकर रह रहे हैं तो वो होनी बहुत ज़रूरी है। आपके पास गौ माता की मूर्ति ज़रूर घर में होनी चाहिए। हर घर में जो है हमारे पास गाय की जो है मूर्ति, प्रतिमा, उसकी तस्वीर ज़रूर होनी चाहिए, तभी हम सच्चे हिंदू कहलाएंगे। उसकी पूजा हमें घर के अंदर, घर के बाहर, चारों तरफ करनी चाहिए। तो अगर नहीं है तो कसम खाइए कि इस गोपा अष्टमी पे आप एक तस्वीर या मूर्ति माँ की लाकर अपने घर में रखेंगे और उनके आगे रोज़ गाय के घी का दीपक जलाएंगे, क्योंकि उनको पूजना समस्त देवी देवताओं को पूजने के बराबर है। और ये चिन्ह कल गोपाष्टमी वाले दिन से शुरू करिए अच्छे कार्य को और संपूर्ण कीजिए। आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल अपनी माँ यानी गौ माता के पैर छूकर दिन की शुरुआत करें।